Hi friend, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you forfeited and reuse of share related problem. Okay, so example is estimated forfeited 900 equity share of Rs. 100 each for non-payment of allotment money 30 per share and first call Rs. 20 per share. The second and final call Rs. 25 per share has not been made. The forfeit share were reissued for Rs. 90 per share, 75 paid up. Okay, अब क्वेश्चन में दिया क्या है, कंपनी 900 शेयर को फॉरफिट कर रही है, कंपनी के कितने शेयर को फॉरफिट कर रही है, नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट कर रही है कंपनी, 900 शेयर, 900 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किया, 900 शेयर जिसमें किसके से पैसा नहीं मिला था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, और अच्छा एक शेयर की प्राइस कितने की थी, एट द रेट ऑफ रुपीज 100. कंपनी क्या कर रही है कि फर्स्ट कॉल तो किया, सेकंड कॉल जो 25 रुपीस तक की थी कंपनी ने नहीं मांगा, यानी कंपनी ने मांगा कितना, माइनस 25 कर देते हैं तो कॉल अप अमाउंट कितनी हो जाती है, 75 कंपनी ने कॉल किया हुआ था, यानी कॉल अप अमाउंट जो कंपनी की आ रही है वो कितने रुपीस से आ रही है, वो 75 रुपीस से. अब कंपनी कर रही है क्या, इसमें उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का अमाउंट पेमेंट नहीं किया, और अलॉटमेंट कितने रुपीस का पेमेंट नहीं किया था, रुपीज 30, और फर्स्ट कॉल कितने का था, रुपीज 20 रुपीज का, यानी कंपनी ने मांगा तो 75 रुपीज का था, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50, उसने पेमेंट कितना किया, 25 रुपीज के हिसाब से. ओके, अब कंपनी जो इसमें प्रॉफिट की जो एंट्री करेगी, और उसके बाद फिर कंपनी कह रही है कि उसमें से शेयर को रीइश्यू कर रही है कितने रुपीज में, 90 रुपीज पे, और पेडअप वैल्यू कितना बता रही है, 75. ओके, तो पहले हम लोग प्रॉफिट की एंट्री देखते हैं, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, टू फॉरफिटेड शेयर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. ठीक है, अब देखिए कंपनी ने जो कॉल किया हुआ है कितने रुपीज तक कॉल किया, 75, और नंबर ऑफ शेयर कितना है, 900, यानी शेयर कैपिटल में कितने से आएगा, 900 इंटू 75, 900 इंटू 75 कंपनी के पास, कंपनी ने कॉल किया था कितना, 67,500. ठीक, अब अलॉटमेंट में अमाउंट नहीं आई, कितने रुपीज से नहीं आई, अलॉटमेंट कितने रुपीज का कंपनी बता रही है, अलॉटमेंट है 30 रुपीज का, यानी 900 इंटू 30 कितने अमाउंट नहीं आई, 27,000. फर्स्ट कॉल कितने रुपीज का बता रही है, 20 रुपीज का, तो 900 इंटू 20 18,000. अब देखिए उसने तो 50 रुपीज से पेमेंट नहीं किया, कैसे मालूम हमको, 75 रुपीज कंपनी मांगी थी जिसमें उसने अलॉटमेंट 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल कितने का, 20 रुपीज, यानी 50 रुपीज पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट किया कितना है, 25 रुपीज. ठीक है, अब यहां पे तो 25 रुपीज आए तो कहां पे आएगी, वो फॉरफिट में, तो कितने से आएगी, 900 इंटू 25, 22,500. ओके, यहां तक कोई डाउट, अब देखते हैं यहां पे नेशन क्या हो जाएगा, being 900 shares forfeited, 900 share को कंपनी ने तो forfeit कर लिया, अब कंपनी कह रही उस शेयर को कितने में रुपीस में रिइश्यू कर दिया, 90 रुपीस में, यानी 90 रुपीस में उसने क्या किया, रुपीस 90 रुपीस में क्या कर दिया उसे, रिइश्यू, रिइश्यू कितने में करी, 90 रुपीस में, लेकिन कॉल्ड अप पेड अप वैल्यू कितना बता रही है उसकी, पेड अप वैल्यू कितना है इसका, रुपीस 75 क्या बता रही है इसकी, पेडअप 75 पेडअप है, तो ये कहां पे आएगा, कैपिटल में, और 90 रुपीस में करी तो कहां पे आएगा, वो बैंक में, इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी ने एक्स्ट्रा भी रीइश्यू कर दिया, तो यहां पे क्या जाएगा, वो प्रीमियम आ जाएगी, तो नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल
और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखिए अब बैंक में कितने से आएगा, नंबर ऑफ शेयर कितना था 900, कंपनी ने पूरे का पूरे शेयर को इशू कर दिया तो कितना आ जाएगा यहां पे 900 इंटू 90 कितने से 81,000। देख अब कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते, पेडर वैल्यू कितना होता है कंपनी 75, यानी कैपिटल में कितने से आएगा 900 इंटू 75 कितने से आएगा 67,500। अब देखिए कंपनी कितना एक्स्ट्रा पे कर रही है, 90 रुपीस है, 75 रुपीस पेड अप है और कंपनी रेस चुका है 90 रुपीस में, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 15 रुपीस से, तो प्रीमियम में 900 इंटू 15 कितना आ जाएगा 13,500। ठीक अब देखते हैं नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग 900 फॉरफिटेड शेयर रीइशू, कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर को रीइशू किया हुआ है। ओके अब यहां पे देखते हैं कि अब इसके बाद जब रीइशू किया है तो हम लोगों ने पहले ही बात किया होता है, जब भी रीइशू कर गई तब के बाद वो कंपनी क्या करती है अपने कैपिटल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करती है, कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगा, फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखते हैं कंपनी को यहां पर तो प्रॉफिट मिला कितना था, 925 के हिसाब से मिला कितना था 22,500, लेकिन क्या कंपनी ने क्या उसे रीइशू में यूज किया है, हमने देखा रीइशू में तो कोई यूज नहीं हुआ और कंपनी पूरे का पूरा कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए पूरे टोटल 22,500 या कंपनी के लिए क्या हो गया वो कैपिटल प्रॉफिट हो गई, यानी यही अमाउंट कहां ट्रांसफर होगी कैपिटल रिजर्व में, यानी प्रॉफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में कितने से आएगा 22,500। ठीक अब क्या हो जाएगा, बीइंग गेन ऑन रीइशू, जो गेन और रीइशू कहां ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कहां ट्रांसफर की कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है अब इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कंपनी ने 900 का फॉरफिट किया था, यानी कॉल्ड अप अमाउंट कहो या पेड अप को क्या थी कंपनी की कम थी, यानी कंपनी का 100 शेयर का था 100 रुपीस का था, कंपनी 25 रुपीस से फाइन पर कॉल नहीं किया, तुम कॉल कितना किया था 75, उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने क्या अमाउंट पे नहीं किया था, अलॉटमेंट ने पे किया था एंड फर्स्ट कॉल के अमाउंट पे नहीं की थी, तो अब कंपनी ने क्या किया, जो गारंटी हुई तो हम लोग देखते हैं तो क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट शेयर टू शेयर अलॉटमेंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो कैपिटल में कितने से आया 975 इक्विटी शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट में 900 into 30 27,000 900 into 20 18,000, तो जितने अमाउंट पेड कर चुका है वो कहां पे आ गए फॉरफिट में 900 into 25। अब कंपनी उसी शेयर को कितने में कर रही है, रीइशू कितने में कर रही है 90 रुपीस में कर रही है और पेड अप वैल्यू कितना बता रही है 75, तो पेड अप वैल्यू 75 है यानी एक्स्ट्रा भी कर रही है, तो बैंक में कितना है 900 इंटू 90 के हिसाब से बैंक में आया, कैपिटल में 900 इंटू 75 एंड प्रीमियम हो गई एक्स्ट्रा, तो कंपनी को करना था कि पेड अप वैल्यू कितना था 75 लेकिन 90 रुपीस में की हुई है, तभी कंडीशन में एक्स्ट्रा अमाउंट जो आ गई वो क्या हो गई वो प्रीमियम आ गई। अब कंपनी जो प्रॉफिट में अमाउंट जो मिला था उसका तो यूज तो हुआ नहीं, वही अमाउंट कहां चली गई, वो कहां पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, उसको कहां ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके इसके बाद और भी प्रॉब्लम लेके आएंगे, अगर आपको कोई अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के साथ आप सेंड कर सकते हैं। ओके थैंक यू।